वहीं टिफिन बैठक से पहले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को सहारने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और कहीं ना कहीं तैयारियों में अभी से जुटी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, नोएडा में टिफिन बैठक होने जा रही है, किस तरीके की ये बैठक है, क्या कुछ इसमें आयोजन में होने वाला है? माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी केंद्रीय इकाई ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक महीने का जनसंपर्क महाभियान तय किया है और उसमें लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से सभी बूथों पर हम लोग एक महीने तक लगातार चलने वाले अभियान के माध्यम से घर घर जाकर अपनी सरकार के काम, अपनी उपलब्धियां हमारे कार्यकर्ता बताएं। आज जो कार्यक्रम विधानसभा के अनुसार होने हैं उसमें पहला कार्यक्रम है वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक। तो आज सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके, बातचीत करके, संवाद करके आगामी कार्यक्रमों की और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर चर्चा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज नोएडा में करेंगे। एक विधानसभा का स्तर का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है और हमारी इस विकास यात्रा को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत लोगों का योगदान रहा है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का। तो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने अनुभव, उनकी जानकारी आपस में शेयर करके और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जो हमारा ये अभियान है और कैसे प्रभावी तरीके से हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे इसका प्रयास करेंगे। सर, दिल्ली में 2 लगातार बैठक हुई है, क्या उत्तर प्रदेश को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? क्योंकि कई खबरें तैर रही हैं सोशल मीडिया की बात करें या अन्य जगहों पे कि प्रभारी को भी बदला जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो केंद्रीय पार्टी को तय करना है कि आगामी जो भी कार्य योजना है, जो संगठनात्मक विषय है वो केंद्रीय पार्टी तय कर देगी और जो भी और अन्य राज्यों के से भी जुड़े विषय हैं पूरे देश के परिदृश्य में उन्हें विचार करके निर्णय लेना है। तो जो भी निर्णय लेना वो हमारे आपके सबके सामने आ जाएगा, अभी ऐसी कोई मेरी जानकारी में इस तरह का कोई विषय नहीं। नहीं, कांग्रेस और राहुल गांधी इस प्रकार की बयानबाजी करके देश की छवि को दुनिया में खराब करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और राहुल गांधी जी की बयानबाजी को अमेरिका के व्हाइट हाउस ने ही कंडम किया है, तो उन्हें इन सब चीज़ों से सबक लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी पुराने अनुभव से सबक लेने तैयार नहीं है और मुझे विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से ये देश विरोधी गतिविधियों में देश की छवि को दुनिया में खराब करने के लिए इनकी भूमिका है, इसका जवाब इन्हें जरूर देगी। धन्यवाद सर, ये थे हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो जिन्स अतुल के साथ पीयूष तिवारी।